Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में मैं फिर से आपको एक बहुत ही बढ़िया लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखाने जा रहा हूँ. So guys, अगर आपको लोन चाहिए तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिएगा. अगर आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में लोन चाहिए तो भी इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि गाइज आज का ये जो वीडियो होने वाला है अगर आपको कम डॉक्यूमेंट्स में किसी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो कैसे लें, ठीक है. तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही तगड़ा ये लोन एप्लीकेशन है, बहुत ही बढ़िया लोन एप्लीकेशन है. अगर आपको लोन चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए. चैनल बने हो गए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. साथ ही में गाइस, लोन लेने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा. अगर आप लोन का टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर सकते हो, समय से लोन की ईएमआई चुका सकते हो, तभी लोन के लिए अप्लाई करना, तभी लोन लेना. सही में कोई इमरजेंसी होगा, आपको पैसों की जरूरत होगी, तभी लोन लेना. और कोई भी लोन एप्लीकेशन अगर आपको लोन देने से पहले आपसे एक भी रुपये मांगे प्रोसेसिंग फीस या फिर सिक्योरिटी मनी के नाम पर तो बिल्कुल मत देना, ठीक है. तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे फोन के स्क्रीन पे अपने और आपको दिखाता हूँ इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके. तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है. यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है बेस्ट इंस्टेंट लोन ऐप इन इंडिया. यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रेडिट लाइन, आपको मिलेगा मिनिमम 1000 क्रेडिट लाइन और मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक का मिल जाएगा. ओके, 24/7 ये एप्लीकेशन एक्सिस है, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. ओके, ये गाइज यहाँ पे आप देख लीजिए, 24/7 एक्सिस तो आप कर सकते हो, लेकिन पैसा डिसबर्स जो वर्किंग आवर्स होता है उसी में होगा, ठीक है. और बाकी अप्रूवल भी वर्किंग आवर्स में ही आएगा जहाँ तक मुझे पता है. ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है पे इंटरेस्ट ओनली, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, मिनिमम टेन्योर 3 महीने का बनाएगा, मैक्सिमम 36 महीने का. ओके, यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है, इंस्टेंट अप्रूवल है एंड क्विक डिसबर्सल है. पैसा भी बहुत ही जल्दी आपके बैंक में डिसबर्स कर देते हैं ये लोग. नो हिडन फीस, कोई भी हिडन फीस नहीं है. ओके, नो ज्वाइनिंग फीस, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है. इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हो, कोई भी आपसे फीस नहीं लिया जाएगा. यहाँ पे मिनिमम 1000, मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का आपको क्रेडिट लाइन देखने के लिए मिल जाएगा. 30+ सिटीज़ में ये एप्लीकेशन लोन देती है. हालांकि NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, सारे बड़े सिटीज़ में लोन देती ही होगी, लेकिन एक बार आप लोन के लिए अप्लाई करके चेक कर लेना आपके सिटी में लोन देती है कि नहीं देती है. ये जो 30 सिटीज़ में लोन दे रही है, इसमें आपका सिटी है या नहीं है. ओके, ये आप अप्लाई करोगे तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि इन इन सिटीज़ में ये एप्लीकेशन लोन देती है. ओके, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके समझाया है कि अगर आपको ये एप्लीकेशन 10,000 का लोन देता है तो 3 महीने के लिए देगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 11.99% पर एनम का. प्रोसेसिंग फीस 0 है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे नहीं है. टोटल इंटरेस्ट आपका इतना लगेगा, EMI इतना आएगा, APR इतना आएगा, पैसा इतना डिसबर्स किया जाएगा, इतना आपको टोटल रिपेमेंट करना है, ठीक है. तो ये सब कुछ आप देख लेना, एग्जाम्पल वगैरह पढ़ लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना. मिनिमम 3-4 स्टेप में आपको लोन मिल जाएगा. एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना, OTP या वो डालना, आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी वगैरह डाल के ईजिली लोन के लिए अप्लाई कर देना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. ओके, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखते हैं, इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए, उम्र आपका 18 साल होना चाहिए या फिर 18 साल से ऊपर होना चाहिए. मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड देना है, ठीक है. आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप दे सकते हो एड्रेस प्रूफ में, लेकिन आधार कार्ड ही देना. सब लोग के पास आधार कार्ड मिल जाएगा इजीली. ओके, आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड. ओके, और यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना है. अगर आप एक सैलरीड हो तो बैंक स्टेटमेंट से हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉई हो तो ITR या फिर GST पेपर आपको देना पड़ेगा. एक सेल्फ एम्प्लॉई हो, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो ITR या फिर GST पेपर, या फिर दोनों भी ले सकता है. और अगर आप एक सैलरीड हो तो बैंक स्टेटमेंट दे देना, आपको लोन मिल जाएगा. ओके, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, मैं भी बोल रहा था ना कि कहीं लिखा हुआ नहीं है कि किन किन सिटीज़ में ये एप्लीकेशन लोन देती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली NCR, दिल्ली, यहाँ पे देख लो दिल्ली NCR, दिल्ली, न्यू दिल्ली, नोएडा, ठीक है. उसके बाद से फरीदाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इंदौर, ठीक है. यहाँ पे आप सब देख सकते हो, बहुत सारे सिटीज़ हैं यहाँ पे. जयपुर है, लखनऊ है, कानपुर है, भोपाल है, शिमला है, बहुत सारे सिटीज़ हैं. तो पढ़ लेना, इनमें अगर आपके सिटी का नाम होगा तो आप इजीली लोन ले सकते हो. अगर नहीं होगा फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई करना, हो सकता है आपके सिटी में लोन अब देने लगी हो, ऐप में अपडेट न की हो ये लोन एप्लीकेशन. ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, अगर हम ऐप परमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन, SMS, स्टोरेज, अदर, सबका आपको परमिशन देना है, लेकिन कहीं भी कॉन्टैक्ट्स का परमिशन नहीं मांगा गया है. मतलब कि ये एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल वगैरह करके आपको परेशान नहीं करेगी, अगर आप लोन चुकाने में थोड़ा सा देरी भी करते हो तो.
वैसे सही में नहीं करेगी, क्योंकि ये एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन कभी भी आप अगर लोन देने में देरी भी करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके आपको हरास या फिर परेशान नहीं करती है। ओके, बैक करते हैं। अब मैं इसका आपको नाम बता देता हूँ गाइज। सो गाइज, इस एप्लीकेशन का नाम है स्टेसफिन पर्सनल लोन ऐप। ओके, स्टेसफिन पर्सनल लोन ऐप 4.1 की रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। 4.1 की रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। गाइज, यहाँ से ऐसे यहाँ से नीचे से सी ऑल रिव्यूज़ हो जाएगा। सी ऑल रिव्यूज़ करके आप रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेना, रेटिंग वगैरह देख लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना। ओके, सो गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ एक और लोन एप्लीकेशन, अगर आपको इससे लोन ना मिले तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और आपको बहुत ही बेहतरीन लोन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जिसका नाम है गाइज ट्रूबैलेंस। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन अगर आप मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से डाउनलोड करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है आपको लोन मिलने का। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में दो तरीके के लोन मिलते हैं, एक लेवल अप लोन, एक कैश लोन। अगर आप कैश लोन लोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, क्योंकि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको स्टार्टिंग में ही कैश लोन ज़्यादा ऑफर करता है, जैसा ही आपसे बैंक स्टेटमेंट लेता है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का दूसरा वाला लोन ले सकते हो, जिसको लेवल अप लोन बोलते हैं। लेवल अप लोन आपको स्टार्टिंग में 2-4 हज़ार का मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। टोटली 11 लेवल होते हैं, जैसे ही आप 11 लेवल पे पहुंचते हो मैक्सिमम 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करो, लोन के लिए अप्लाई करो। अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपके पास आपका आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से आप उसका दूसरा वाला लोन लेवल अप लोन ले सकते हो। ओके, और सबसे अच्छी बात, अगर आपका थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम है, थोड़ा बहुत खराब है, फिर भी ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको मिनटों में लेवल अप लोन दे देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा सिविल कम है, बहुत ज़्यादा खराब है तो हो सकता है ना दे, लेकिन अगर सिविल आपका ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा खराब नहीं है, तो आपको डेफिनेटली दे देगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का, बट गाइस आपको मिनटों में लोन दे देता है। सो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूज़ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।